हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो रहेंगी सारी कार्स के बेस्ड, उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर, उनकी न्यू लॉन्चिंग को लेकर, उनकी माइलेज, मॉडिफिकेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो बेसिकली जो आगे आने वाली वीडियो मेरी हैं वो रहेंगी कार लवर्स के लिए, और जो लोग नई गाड़ियाँ लेने वाले हैं उनके लिए मैं रिव्यू लेके आऊँगा पुरानी गाड़ियों के लॉन्ग टर्म रिव्यू के साथ। मैं कुछ वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूंगा। तो जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी ये वीडियो आपके और आपके दोस्तों के काम आ सके। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है वो भी गाड़ी से ही जुड़ा हुआ है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है फास्टैग को लेकर। ये फास्टैग है क्या, फास्टैग कैसे काम करता है, फास्टैग को कहाँ से लें, फास्टैग कहाँ पर लगाएँ। तो दोस्तों, ये सब आज मैं बताने वाला हूँ आगे चलकर इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फास्टैग है क्या। फास्टैग एक टैग होता है। फास्टैग जो है वो रैफी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। रैफी टेक्नोलॉजी मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो एक ये टैग रहता है जिसको हम गाड़ी में लगा देते हैं, और जब भी हम टोल पे जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकल हमारे वहाँ पे पैसे जो है वो कट जाते हैं, तो हमें वहाँ रुकना नहीं पड़ता। अब दोस्तों, बात आती है कि हम इसको ले कहाँ। तो अभी तक इंडिया में जो है वो 23 बैंक्स ऐसे हैं जो ऑथराइज्ड हैं पूरी तरह से ये टैग आपको देने के लिए। अगर आपको टैग लेना है तो आप उन बैंक्स में से किसी भी बैंक में जाकर अपना आईडी और अपनी फ़ोटोग्राफ और आरसी की कॉपी लेके आवेदन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको 4-5 वर्किंग डेज में ये आपको मिल सकता है। और हाँ, आप इसको अमेजन, एयरटेल और पेटीएम से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जो आजकल नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, जहाँ एजेंसी से जब गाड़ी आउट होती है तो ये पहले ही लगा हुआ आता है, आपको सिर्फ इसको एक्टिवेट करवाना होता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है कि फास्टैग, हमने आवेदन कर दिया, हमें फास्टैग मिल गया, बट अब फास्टैग को लगाएं कहाँ पे। तो फास्टैग मैं दोस्तों बता दूं आपको कि फास्टैग जो है आपको गाड़ी के जो मिरर होता है, बैक मिरर जो हम अंदर बैठ के देखते हैं, उसके जस्ट नीचे लगवाना होता है। उसका पर्पस ये है कि वो सेंटर में आ जाता है, और सेंटर में लगाने का बेनिफिट ये है कि जब भी आप टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं तो वो दोनों साइड से इजीली इक्वली एसेसिबल होता है। तो उसको हमेशा सेंटर में लगाना चाहिए, और सावधानी ये बरतनी चाहिए कि जब भी हम उसको विंडशील्ड पे लगाने जा रहे हैं तो उसको अच्छे से क्लीन करके प्रॉपरली फिक्स करें। फास्टैग था ये 2014 में हमारी गवर्नमेंट ने जो इम्प्लीमेंट कर दिया था, पहली बार लॉन्च कर दिया था। और आपको पता है हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है, तो ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उसका हिस्सा बने, हम उसको कंट्रीब्यूट करें। तो आप भी फास्टैग लें। तो दोस्तों, हमने फास्टैग लगा दिया, अब इसके बेनिफिट क्या हैं। तो बेनिफिट यही है इसके कि जब भी हम टोल पे जाते हैं तो हमें जो टोल वाली लेन होती है उस पर हमें रुकना नहीं पड़ता है। आपको फास्टैग में जस्ट स्कैनिंग होगी, ऑटोमेटिकल आपके पैसे अकाउंट से कट जाएंगे, और आपको जो है एक नोटिफिकेशन मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो टोल है वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के थ्रू कट चुका है। तो पहला फ़ायदा ये होगा। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपको इसमें कैशबैक भी मिलता है। तीसरा और चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा कि हमारा टाइम भी बचता है, और फ्यूल की भी सेविंग होती है, मनी की भी सेविंग होती है। और रिचार्ज कैसे करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो देखिए। अपनी आई मोबाइल को ओपन कर लीजिए, और भीम UPI वाले ऑप्शन में जाके सेंड बटन को प्रेस कीजिए, और इस प्रकार से 2 में अपना एड्रेस डाल दीजिए। जैसे मैंने अपनी गाड़ी का नंबर डाला हुआ है, तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी का नंबर, सिर्फ गाड़ी का नंबर चेंज करना है आपको, और आप इस तरीके से अपना नंबर और यहाँ पे अमाउंट, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो 100 रुपीज़ का रिचार्ज आप यहाँ से प्रोसीड बटन प्रेस करके कर सकते हैं, ईजिली रिचार्ज कर सकते हैं। ICIC बैंक में ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये इसका ब्रेकअप है, इतने में आपको ये पड़ जाएगा। मैं बताऊं आपको, तो मैंने अपना फास्टैग जो है वो ICICI बैंक से लिया था, मुझे कुछ कहीं जाना नहीं पड़ा था। आई मोबाइल की ऐप से मैंने इसको ऑर्डर किया था, और 500 रुपये में ये मुझे घर बैठे बैठाए मिल गया था, और मैंने इसको गाड़ी पे फिक्स कर दिया है, और 2-3 बार मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जो भाई मेरे चंडीगढ़ बद्दी या परवाणू में रहते हैं और वो किरतपुर की साइड से हिमाचल में एंटर करते हैं, तो उनको मैं अपडेट दे दूं कि अभी तक शायद उनको पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता है उन भाइयों के लिए मेरी अपडेट है, किरतपुर वाले टोल प्लाजा पर ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं है, और लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग ये 2-3 महीने शायद अभी तक नहीं होने वाला है। तो ये थे फास्टैग लगवाने के फ़ायदे। इस प्रकार से हम फास्टैग लगा के अपना टाइम सेविंग और कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ, क्योंकि जिन्होंने अब तक फास्टैग, मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि फास्टैग कैसे लगवाते हैं, ये क्या है, अभी भी इसीलिए मेरा ये मोटिव वीडियो बनाने का यही है कि उन भाइयों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जिन्होंने अभी तक गाड़ियां नहीं ली हैं, या गाड़ियां ली हैं बट फास्टैग
नहीं लगवाया है। एक क्वेश्चन मेरे भाई ने और पूछा था कि मान लीजिए हम दो बार गाड़ी को क्रॉस करते हैं टोल प्लाजा से, तो क्या डबल कटेगा? जी नहीं, बिल्कुल डबल नहीं कटेगा। उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो 30 रुपीज़ एक राउंड के आपके कटते हैं, तो डबल राउंड के 45 कटने चाहिए जब हम मैनुअल पर्ची कटवाते हैं। तो सेम वही सिस्टम होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो आपके 30 रुपीज़ तो कट जाएंगे, बट अगर आप सेकेंड टाइम विद इन 24 आवर बैक आ रहे हैं तो आपके सिर्फ 45 रुपये, 15 रुपये और कटेंगे। मतलब टोटल मिला के 45 रुपये ही कटेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई, आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, इसमें कुछ छूट गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू।